हेलो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अ डेरिवेशन इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो इसमें कुछ डाउट स्टेप बाई स्टेप क्लियर करते हैं कि वेपर डेंसिटी का रिक्वायरमेंट क्या है देखिए एक सिंपल मॉलिक्यूल के लिए तो वेपर डेंसिटी का हमें नूमेरिकली तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वेपर डेंसिटी को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोलर मास तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वेपर डेंसिटी तो हम हमें खुद ही पता होती है तो इन दिस वे वी कैन से कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वेपर डेंसिटी का रिक्वायरमेंट कब होता है इसको डिस्कस करते हैं लेट्स से वी हैव अ मॉलिक्यूल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए एन आई एम राइटिंग ए एन वेयर एन इज़ रिप्रेजेंटिंग एटोमिसिटी मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल में लाइक ओ टू ओ टू का अटोमिसिटी टू है तो हम बोलेंगे ओ टू कैन बी डिसोसिएटेड इन टू टू ओ ओ थ्री का एटोमिसिटी थ्री है मतलब इसमें तीन आइटम्स प्रेजेंट है तो ए एन हमने एक मॉलिक्यूल लिया है और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है क्लोज्ड वेसल में और ये डिकम्पोज हो जाता है एन टाइम्स ऑफ ए में वेयर एन इज़ नाउ नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं ना अब इनिशियली मान लेते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो सिर्फ ए एन प्रेजेंट होगा क्योंकि अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ है बिल्कुल बिगनिंग की बात करें तो अभी ए एन ने इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया डिसोशिएट होके तो ये हम एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन ले रहे हैं रिवर्सिबल है तो जस्ट जैसे ही बिगिन होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा ए एन और ए बिल्कुल प्रेजेंट मतलब डिकम्पोज प्रोडक्ट बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा और फाइनली जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अटेन हो जाएगी तो वैसल में कुछ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मतलब टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट जितना पार्ट भी वन का डिसोशिएट होगा वो अल्फ़ा होता है तो लेट्स से कि अल्फ़ा अमाउंट डिसोशिएट हो गया और वो हमें दे रहा है एन टाइम्स ऑफ अल्फा मतलब एन मोल्स ऑफ ए नाउ अब अगर हम बात करें तो वी कैन राइट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स वन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर मिक्सचर मीन्स अब अब बीकर के अंदर अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है किसी इक्विलिब्रियम याद रखिए हमेशा किसी क्लोज्ड वेसल में ही अटेन होता है तो नाउ जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे मिक्सचर के वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का सम होंगे मतलब वन माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मिक्सचर के हमारे पास कितने आ जाते हैं वन प्लस अल्फ़ा अगर हम कॉमन ले लें तो एन माइनस वन अल्फ़ा ना हो अब हम क्या करना चाह रहे हैं हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं वेपर डेंसिटी का तो अब देखिए इनिशियली अगर रिएक्टेंट पता है तो हमने बात की थी जैसे ऊपर कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वेपर डेंसिटी को टू से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास और मोलर मास भी जनरली पता होता है हमें बट अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर का मोलर मास निकालना मुश्किल होता है तो वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली वेपर डेंसिटी निकालते हैं एज वी नो थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ एज वी नो वट इज़ दिस वेपर डेंसिटी क्या होता है वेपर डेंसिटी होता है किसी भी सब्सटांस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस ये आप फार्मूला याद रखेंगे हम डेंसिटी कंपेयर करते हैं मिक्सचर की कि किसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन से तभी ये फार्मूला आता है नाउ अगर ए एन डीकम्पोज होगा तो वी विल फॉलो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास हम क्या फॉलो करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जितना मास इनिशियल है डिकम्पोज के बाद भी उतना ही मास रहेगा ये लॉ ये कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम 10 ग्राम ले रहे हैं और वो डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और सी में तो अभी भी अगर ये आधा डिकम्पोज है कम्प्लीट डिकम्पोजिशन नहीं है तो सम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड सी ओ टू विल भी टेन ग्राम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन टोटल मास इज़ कंजर्व रिएक्शन के दौरान टोटल मास क्या होता है कंजर्व होता है इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं इनिशियल वेट जो इनिशियल वेट है वो किसके इक्वल होगा वेट ऑफ मिक्सचर या फाइनल वेट हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास होता है तो गिवन वेट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास तो वी कैन राइट इनिशियल वेट एज़ इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनटू initial molar mass and weight of the mixture is number of moles of mixture a final into molar mass of mixture. Now we know that molar mass is 2 into vapor density. to ab हम calculate kar lete हैं. अब एक चीज देखिए, जब ये decomposition हो रहा है, तो obviously mass AN का जो total mass था, वो decrease हो रहा है. तो vapor density भी decrease होगी. तो initial mass को हम लिख सकते हैं. Initial moles अगर हम देखें इस reaction में तो इनिशियल मोल्स कितने हैं वन एंड मोलर मास तो हमें क्वेश्चन में कई बार मेंशन होता है कई बार नहीं होता अगर मोलर मास नहीं मेंशन है तो इसे वेपर डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं टू इंटू वेपर डेंसिटी अब रिप्रेजेंट करते हैं इसे कैपिटल डी से रिएक्टेंट की जो डेंसिटी होगी जो सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा दैट इज़ बड़ा वाला कैपिटल डी मोलर मास ऑफ द मिक्सचर अब हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर क्योंकि अब हमें इन एन ऑफ मिक्सचर इन मोलर मास ऑफ मिक्सचर करना है तो हमें पता है कि मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फ़ा तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फ़ा नाउ मोलर मास ऑफ मिक्सचर इसे हम लिख देते हैं टू इंटू वेपर डेंसिटी मोलर मास ये स्मॉल डी बिकॉज जनरली मिक्सचर की वेपर डेंसिटी डिक्रीज जनरली ये ऑलवेज भी बोलता दो डिक्रीज़ होगी अब जो पार्ट कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं तो वट वी गेट हमें यहाँ पे क्या मिला वी गेट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन अल्फा अब उसके बाद क्या हुआ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी मैथ अब तो मैथ्स है केमिस्ट्री हमारा फिनिश हो गया तो जस्ट सॉल्व इट अब इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया डी माइनस डी बाय डी और एन माइनस वन यहाँ नीचे आ जाएगा अब हम जब ये फार्मूला याद करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है हम जब भी ये फॉर्मूला याद करते हैं इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है ये मैंने ऐसे लिखा है बट बुक्स में ये ऐसे लिखा होगा डी इंटू वन माइनस एन ओ एन माइनस वन तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें यही आता है कि हमें ये नहीं समझ आता कौन सा d गिवन है n क्या है तो ये याद करवाते हैं मैं आपको टेक्निक बताता हूँ इसे याद करने की कि हम इसे कैसे याद करेंगे हमेशा याद रखिए जो कैपिटल डी है बड़ा डी वो रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी मतलब जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर अब इसमें डाउट्स क्या क्या आते हैं कई बार ऑप्शन में लिखा हुआ आता है तो डाउट आ जाता है कि डी माइनस हमारे पास ऑप्शन ये भी आ जाएगा डी माइनस कैपिटल डी बाई डी या फिर आ जाता है डी माइनस डी बाई कैपिटल डी तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए इसके लिए मैं कहता हूँ एक स्टेप ऊपर देखिए ऊपर कैपिटल डी है नीचे स्मॉल डी है तो याद रखो कि बड़े लोग ऊपर रहते हैं और छोटे लोग नीचे रहते हैं तो जो कैपिटल डी है वो नोमरेटर में ऊपर रहेगा और जो छोटा डी है स्मॉल डी है वो डिनोमिनेटर में नीचे रहेगा तो यहाँ से तो जनरली डी माइनस डी बाई डी तो याद रहता है बच्चों को जो नेक्स्ट डाउट आता है स्टूडेंट्स को वो आता है कि वट इज़ एन हेयर तो ये याद रखना है एन इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट सिर्फ गैशियस प्रोडक्ट ही होता है तो जब इतना लिखते हैं तो फोकस नहीं जाता है ये प्रोडक्ट को लिखते हैं थोड़ा स्मॉल हो गया तो गैशियस प्रोडक्ट ऑनली ये वर्ड थोड़ा याद रखिए कि सिर्फ नंबर ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट के ही लिखेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं तो आई सजेस्ट कि आप ये डेरिवेशन लिखने की कोशिश करिए और फॉर्मूले लग के समझने की कोशिश करिए कि क्या इस आप इसे ड्राइव कर सकते हैं कि अल्फा इज़ डी माइनस डी बाई डी माइनस डी इनटू एन माइनस वन और हम आपको ये भी बोलेंगे इन केस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रख सकते हैं और सिंपली उस केस में हम आपको ये बोलेंगे कि आप ये भी याद रख सकते हैं इनिशियल मोल्स इंटू मोलर मास एंड फाइनल मोल्स ऑफ मिक्सचर्स इंटू मोलर मास ऑफ मिक्सचर अब ये डिपेंड करता है कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये वाला इजी होता है सम स्टूडेंट्स आर सेइंग ये इजी होता है इट्स अप टू यू आप किससे रिलेट कर सकते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के पे बेस्ड ये डेरिवेशन है तो इसी प्ले में आप अगला नोमेरिकल ट्राई करिएगा ये इसी पे बेस्ड है एंड देखिए कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं थैंक यू